मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के फैसलों का असर पंजाब के हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में राजस्व विभाग ने नई मुहिम शुरू की है, जिसके तहत लंबित पड़े इंतकाल दर्ज किए जाएंगे। इसके लिए 6 जनवरी को छुट्टी के दिन राज्य भर के राजस्व कार्यालय खुले रहेंगे और लंबित इंतकालों का निपटारा किया जाएगा। राज्य के राजस्व मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा ने सरकारी पहल की जानकारी दी। मानयोग्य मुख्यमंत्री जी की तरफ से दिशा निर्देश जो मिला है, उसके संबंध में लोगों को खारिज दाखिल में जो परेशानी आ रही थी, उसके लिए हम स्पेशल कैंप लगाने जा रहे हैं। उसके पहले भी हमने जलंधर में जनमानस अदालत लगाई थी, जिसमें एक ही दिन में 810 इंतकाल, जिसको इंतकाल भी कहते हैं और म्यूटेशन कहते हैं, वो हुए थे एक ही दिन में। तो उस संबंध में विचार करने के बाद हमने, छुट्टी का दिन होता है शनिवार, तो हमने ये संबंधित डिपार्टमेंट जो अपना पूरा है उसको ये बात कही है, पूरा डिपार्टमेंट सारे अधिकारी बैठेंगे उस दिन और मैक्सिमम इंतकाल लोगों के करेंगे। और उसके बाद क्योंकि हमारी पेंडेंसी आ जाएगी, कोई लीगल इशू है या कोई और इशू है सामने आएगा, उसको फिर विचार करके द्वारा फिर किया जाए। कैंपेन को सफल बनाने के लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पर व्हाट्सएप के जरिए शिकायत दर्ज की जा सकती है। स्थानीय लोगों के लिए नंबर 8184900002 है, जबकि विदेश में रहने वाले 9464100168 पर शिकायत भेज सकते हैं। टोटल इशू हमारे सामने आएगी पूरी पिक्चर, क्योंकि ऑलरेडी हम एक एक सिटी में जाके कर रहे थे, जैसे हमने जलंधर में आपको बताया किया था। तो इसलिए हमने ये किया, एक तो शनिवार जो होता है ऑफ डे होता है, और संबंधित अधिकारी जो है खुद काम करने को हमने तैयार किए हैं। उनको कहा भी तहसीलों की जो छवि है इसको ठीक किया जाए, गवर्नमेंट की डायरेक्शन है उसके मुताबिक किया जाए। किसी को भी जो रजिस्ट्री कराता है, जिस आदमी ने लाखों करोड़ रुपया खर्च करना है और गवर्नमेंट को स्टंप ड्यूटी देनी है, उसको फिर परेशानी क्यों आए? ये हम मुख्यमंत्री जी ने कहा ये हमारी जिम्मेवारी है, तो हम उस जिम्मेवारी के तहत हमने सबको ये दिशा निर्देश दिया है, और मुझे लगता है इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, और अगर कुछ इशू हमारे सामने आएंगे उसको भी रिजॉल्व किया जाए। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की पहल पर राज्य में अब जमीन की रजिस्ट्री के साथ इंतकाल दर्ज किए जाते हैं, ताकि जमीन बेचने वाले और खरीदने वाले को दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े। हालांकि अब तक पुराने लंबित इंतकालों का निपटारा बाकी था, जिसे अब विशेष कैंप लगाकर पूरा किया जाएगा। राज्य सरकार ने प्रदेश के लोगों से विशेष मुहिम का फायदा उठाने की अपील की है। लैंड माफिया के पीछे इतना लंबा अरसा कौन काम कर रहा था, ये इशू है। लेकिन क्योंकि सरकार की नीयत तो लोगों की सेवा करने की है, तो किसी तरह के लैंड माफिया को यहाँ संरक्षण नहीं है, पहली बात तो ये है। इसलिए इससे बहुत सारे इशू रिजॉल्व होंगे, और अगर कोई लैंड माफिया के इशू भी सामने आ रहे हैं उसको भी रोका जा रहा है इस सरकार में। तो मैं ये बात कह सकता हूँ, इससे लोगों को बहुत फायदा होने जा रहा है, और अगर कुछ इशू सामने आएंगे उसके रिजॉल्व करने के लिए फिर नेक्स्ट वीक में उसके बैठ के अधिकारियों से विचार करके सीएम साहब के डायरेक्शन के ऊपर काम किया जाए। इस विशेष मुहिम की निगरानी राजस्व मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा खुद कर रहे हैं, ताकि तय समय में इंतकाल दर्ज करने का काम पूरा हो सके। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को कोताही ना बरतने का निर्देश दिया है। राजस्व मंत्री ने कहा कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी लापरवाही का दोषी पाया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। 1989 के बाद आप मान सकते हैं को पटवारियों की भर्ती नहीं की गई। आपके जितने पटवार सर्कल थे उसके मुताबिक आपको करनी चाहिए थी, आपने क्यों नहीं किया? एक बड़ा इशू था, बिना आपके अधिकारी के आपके काम, लोगों के काम रुकेंगे, और जो वो काम अधिकारी नहीं थे तो करप्शन का कारण बन गई चीजें। ऐसे ही सिर्फ पटवारियों की बात नहीं थी, नायब तहसीलदार थे, इन इशू को इन्होंने लिंगर ऑन किया। हमने नई पटवारियों की भर्तियां की हैं, जिससे माल अधिकारी नीचे जाके लोगों को राहत प्रदान करें, और जो इंतकाल का जो मैटर है इसके लिए दाखिले खारिज जो है इसको लोगों को कोई परेशानी आने वाले टाइम में नहीं रहेगी, ये मैं यकीन से कह सकता हूँ। लंबित इंतकालों को दर्ज कराने के लिए राज्य सरकार बेहद गंभीर है। पिछले कुछ वर्षों में जमीन विवाद को लेकर कई मामले सामने आए हैं, उन्हीं के निपटारे के लिए इंतकाल दर्ज करने की ये विशेष मुहिम है। अमित पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।